आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट किया जाता है, और एक बात और आपको दिमाग में रखनी है कि हमेशा ये नेट प्रॉफिट से पहले निकलता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियोज में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को बहुत अच्छे तरीके से निकालना सीखा है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम फॉर्मूले की इक्वेशंस की फॉर्म में अगर निकालते हैं तो इसकी इक्वेशन बनती है सेल माइनस COGS। अब सेल जो कि नेट सेल होती है, और COGS का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो कि परचेजेस से रिलेटेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, एक्सेट्रा। तो ये आप प्रीवियस वीडियोज में जाके अच्छी तरीके से डिटेल में समझ सकते हैं कि COGS कैसे निकाला जाता है। अब अगर हम COGS और सेल की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो उसके बाद नंबर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे पहले ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करने के बाद फिर हम इसमें से दो अलग अलग हेड के अकाउंट या कह लीजिए एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जिसमें सबसे पहले माइनस होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दूसरे नंबर पे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। इसी वीडियो के कंटिन्यूएशंस में हम आगे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आप ये भी समझ सकें कि हम फॉर्मेट की हेल्प से या प्रैक्टिकल किस तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते हैं। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकाल लेते हैं उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट भी इसका अगला एक्सटेंशन है या कह लीजिए इसका प्यूरिफिकेशन है। वो क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम जितने भी एबनॉर्मल इनकम्स हुई हैं हमारी, जिसको हम गेन बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग, जैसे कि बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया या हमें कोई क्लेम वगैरह रिसीव्ड हो गया है जो कि रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है, अगर ऐसी कोई इनकम होती है तो उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस करेंगे। और इसके साथ ही इसमें से दो अलग अलग हेड हम माइनस करेंगे, जिसमें एक है एबनॉर्मल लॉसेस, हम इसमें से माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस में जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय डैमेजेस वगैरह वगैरह, और साथ में फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस में जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस यही कुछ वैल्यूज आती हैं, तो इनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस गेन के बाद एबनॉर्मल लॉसेस और फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ये भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज में कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो चार कैटेगरी में डिवाइड हैं, जिसमें एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तीसरा है आपका फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, और फोर्थ वन है आपका एबनॉर्मल लॉसेस। तो ये जो है ना, ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये ऑपरेशंस का पार्ट है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त इन दोनों को ही ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल माइनस किया जाता है, क्योंकि ये रेगुलर पार्ट ऑपरेशनल पार्ट के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए इनको जो फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है या एबनॉर्मल लॉसेस हैं ये हमें पहले से नहीं पता होता, ना ही ये हमारी कोई रेगुलर एक्सरसाइज है जिनमें हम खर्चा करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं, क्योंकि लोन हम कभी कभी लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कभी होता है बाई चांस, या जो एक्सीडेंट डैमेजेस वगैरह होते हैं, फायर वगैरह लगती है, चोरियां होती हैं, वो एबनॉर्मल लॉसेज हैं, वो रेगुलर एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, इसलिए इनको एबनॉर्मल उसमें काउंट किया गया है, मतलब एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम एट द एंड इन सभी को माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तब हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ही जाना है तो केवल हम इन दोनों कैटेगरी के एक्सपेंसेस को ही ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी रखा हुआ है। अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने पहला इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें बोला गया है कि कंप्यूट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये ट्रायल बैलेंस है जिसमें बहुत सारे अकाउंट उनके अमाउंट के साथ है। तो अब अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो हमें ऑब्वियसली इस वाले प्रोसेस को फॉलो करना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो यही है, ऑपरेटिंग इनकम को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस का पता लगाना, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पता लगाना, और उनको हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना पड़ सकता है, जिसको हम कैसे निकालेंगे, सेल माइनस COGS। बट
हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही गिवन है। तो करना क्या है, इस 4,40,000 में पहले ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे, जो रेगुलर इनकम है, रनिंग इनकम है हमारी, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस को माइनस करेंगे। तो चलिए, हमने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो बेस है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 4,40,000 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं दोनों तरफ टिक लगा देता हूं, यहां से हमने इस वैल्यू को इधर लिया। अब हम देखते हैं कोई ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है हमारी यहां पर। अगर हम यहां ऑपरेटिंग इनकम को सर्च करते हैं तो जैसे मैं एक एक करके देखता हूं, कैरेज, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, बेड डेप्ट, ऑडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंसिज है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी रेगुलर इनकम नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा रेगुलर एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। रेगुलर इनकम वो होती है जो ट्रेड से रिलेटेड है, गुड्स जिसमें हम डील करते हैं ना, प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम आती है, उससे रिलेटेड कोई कमीशन आता है या उससे रिलेटेड कोई भी हमें प्रॉफिट होता है, तो वो हम ऑपरेटिंग इनकम में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसके बाद हमारा यहाँ पर ये इन्वेस्टिंग इनकम है, उसके बाद हमारा यहाँ पर लॉस हो गया, गेन, डोनेशन, डोनेशन भी हमारी इनकम है लेकिन रेगुलर इनकम नहीं है, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि डोनेशन रेगुलर इनकम या ऑपरेटिंग इनकम वो होती है जिसमें हमें रेगुलर पैसा एक कंटिन्यूशन में मिलता रहता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के बिहाव पर। अब चूंकि ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये किसी के द्वारा हेल्प की जा रही है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड भी हमारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है क्योंकि कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से हमें पैसा आ रहा है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग में काउंट होगा। अगर हम रियल इस्टेट कंपनी होते तो रेंट रिसीव्ड हमारा ऑपरेटिंग इनकम होता, लेकिन अगर हम रियल इस्टेट होते तो यहाँ पे लिखा होता कि हम रियल इस्टेट कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब चूंकि नहीं लिखा है तो हम इसको नॉन रियल इस्टेट कंपनी मान के चलेंगे और उस केस में रेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सेल ऑफ मशीन पे कुछ फायदा हुआ, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्योंकि मशीन वगैरह असेट्स का सेल करना कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है। हम जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो गुड्स में करते हैं, गुड्स को हम सेल परचेज करते हैं रेगुलर, वहां से जो प्रॉफिट आता है वो ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन अगर गेन लिखा हुआ है ना, गेन, गेन का मतलब ही ये होता है अनएक्सपेक्टेड अर्निंग, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग, तो ये एक तरह से हमारा रेगुलर इनकम में नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर हम कोई भी रेगुलर इनकम या कह लीजिए ऑपरेटिंग इनकम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं। अब आती है बात सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना। तो सेलिंग से रिलेटेड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब किराया देना, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, इसको हम माइनस करेंगे, लेस 4,800। उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ गया, ये भी सेल से रिलेटेड है, 12,000, तो इसको भी हम इधर ही लेंगे, सेल, सेल से रिलेटेड है ना एडवर्टीजमेंट। अगर हम सैलरी को देखते हैं तो सैलरी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंसेस है, तो ऑफिस और एडमिन के अंदर हम सैलरी को एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे मतलब। उसके बाद हमारे सामने है रेंट, तो रेंट जो है हमारा ये भी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ पे माइनस किया ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर। देन इसके बाद आता है लाइटिंग, लाइटिंग भी हमारा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है क्योंकि एडमिन ही लाइटिंग वगैरह का बिल पे करता है, तो ये लाइटिंग या ऑफिस के लिए यूज की जाती है, तो इसको हमने यहाँ पे माइनस किया। उसके बाद आया है यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस भी एडमिन के द्वारा ही सेटल्ड किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही इसका अप्रूवल देता है, तो ये भी एडमिन का खर्चा हो गया, तो इसको हमने यहाँ पर इंश्योरेंस चार्जेस करके हटा दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद आ गया बैड डेब्ट, बैड डेब्ट्स जो होता है ये डेटर से रिलेटेड है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ डेटर हमारा पैसा नहीं दे पाते इन फुल एंड फाइनल कंडीशंस में, या तो उनकी डेथ हो जाती है, मिसिंग या इंसॉल्वेंसी वगैरह कंडीशंस होती है, तो बैड डेब्ट मतलब डेटर खत्म हो गया, डेटर मतलब सेल का पार्ट है, कस्टमर, डेटर मतलब कस्टमर, और कस्टमर जो है हमारा सेल से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस मान के चलेंगे बैड डेब्ट्स को, तो इसको हमने देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड में डाला यहां पर। देन इसके बाद है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस एडमिन का एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। ऑडिट मतलब क्या होता है कि जब हम अपने अकाउंट को चेक कराते हैं ना किसी बाहर वाली थर्ड पार्टी से, तो उनको कुछ फी देनी पड़ती है, उनका रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका अप्रूवल देता है, तो इसलिए एडमिन एक्सपेंसेस में आएगा ये, तो ऑडिट फीस हमने यहाँ पे कर दिया माइनस। उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेज है, यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एबनॉर्मल इनकम है आपकी, मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का एक्सपेंसेस है, ऑफिस का एक्सपेंसेस है, तो देखो 3600 हमने यहाँ पे माइनस किया ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
उसके बाद हमने देखा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी हमारा ऑफिस से रिलेट होता है, ऑफिस और एडमिन से रिलेटेड, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर माइनस किया, जनरल एक्सपेंसेस को 1400। और इसके बाद हमने देखा डोनेशन हमारी एक तरीके से रेगुलर इनकम नहीं है, रेंट रिसीव्ड हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, लॉस वाई फायर हमारा एबनॉर्मल लॉसेज है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं या फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, इनको कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस नहीं किया जाता। हाँ, जब नेट प्रॉफिट का नंबर आएगा तब हम इन सबको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, और उस समय हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस करेंगे। तो हमने ये सब करने के बाद, चेक करने के बाद, अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई होंगी कि ग्रॉस प्रॉफिट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 18,300 और लेस हुआ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी हमने आइडेंटिफाई किया था ट्रायल बैलेंस से 264,400, दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ओवरऑल 157,300 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अब जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट बेस था, बेस बनाया गया था, उसी तरीके से नेट प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बेस बनाया जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले सब डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि ये रेगुलर पार्ट, ये ऐसी इनकम नहीं है जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये तो हमारे पास एक्सेस पैसा था, हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें वहां से चलो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी है। ऐसी गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कोई मशीन वगैरह हम इसमें तो डील करते नहीं है, ये तो हमारे पास कोई एसेट्स है, हमने सेल कर दी, चलो अचानक से हमें कुछ फायदा हो गया इसमें, तो ये भी एबनॉर्मल इनकम में आएगा। और इनको प्लस करने के बाद हमारी टोटल इनकम हो जाती है 2,16,100। फिर इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज में जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसिज है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एबनॉर्मल लॉसेज है, डोनेशन, डोनेशन जो हम पे कर रहे हैं ये भी हमारा एक तरीके से एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, मतलब ये ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं है जिसको हम रेगुलर करते हैं, डोनेशन को यहाँ पे इनकम में काउंट नहीं किया गया, एक्सपेंसेस में रखा गया है। अगर डोनेशन रिसीव्ड है तभी हम उसको इनकम में मानेंगे, अदरवाइज अगर इस तरीके से क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिया हुआ है डोनेशन और ये नहीं बताया गया कि ये डेबिट में है क्रेडिट में, अगर ये क्रेडिट में होता तो इनकम होता और डेबिट में लिखा होता तो इसको हम एक्सपेंसेस मानते, लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया तो उस केस में हम इसको एक्सपेंसेस मान के चलेंगे, मतलब हमने डोनेशन दी है, तो ये हमने यहाँ पे माइनस करा। और लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉसेज है, इन सबको माइनस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया बच्चों कि कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।